आने वाले एपिसोड में कहानी दिलचस्प मोड़ लेगी। अभिरा, जो खुद अपनी गर्भावस्था को लेकर चिंतित है, अपनी परेशानियों को एक तरफ रख देती है और चारू की मदद करती है। जिस नीरज से चारू की शादी हो रही है वह बहुत बुरा इंसान है। वह चारू का फायदा उठाने की कोशिश करता है और इसलिए उससे शादी करना चाहता है। चारू अपनी भावनाएं किसी से व्यक्त नहीं कर पाती है, लेकिन अभिरा से ही अपना दर्द साझा करती है। अभिरा अब चारू की खातिर नीरज का असली चेहरा सबके सामने लाने का फैसला करती है। लेकिन चारू के पिता संजय, जो पहले से ही अभिरा से नाराज हैं, उनकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। वह चारू को समझाती है कि वह अभिरा की बातों से प्रभावित न हो, लेकिन चारू अब बच्ची नहीं रही और हालात को अच्छे से समझती है। अभिरा सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है ताकि नीरज की सच्चाई सबके सामने आ जाए। जैसे ही अभिरा को पुख्ता सबूत मिलते हैं, वह नीरज को सबके सामने बेनकाब करने की कोशिश करती है। लेकिन इस सब जल्दबाजी के बीच अभिरा को अचानक तेज दर्द होने लगता है, जो उसकी पहले से ही जटिल गर्भावस्था के लिए खतरनाक हो सकता है। अरमान की बेचैनी बढ़ जाती है और कहानी नया मोड़ ले लेती है।